फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है और आप सी टेट और एस टेट की तैयारी एक बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हिंदी और इंग्लिश में क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी एजुकेटर को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे तो आप सभी एजुकेटर को एक्सेस कर सकते हैं, सभी के पीडीएफ नोट्स पा सकते हैं। यह कोर्स आप बहुत कम फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया है और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के कोर्सेज हैं। 1 मंथ का कोर्स आप लेकर ट्रायल कर सकते हैं और आप अगर ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, जिसमें आप प्रतीक्षा लिखना मत भूलिएगा। आप प्रतीक्षा लिखेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप सभी अनलिमिटेड कोर्स और क्लासेस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो भी नोट्स और ई बुक्स अपलोड की जाती हैं उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स, दिस इज़ प्रतीक्षा आचार्य। अगर आपने वाणिज्य के विषय से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अप्लाई किया था और एग्ज़ाम दिया था तो रिज़ल्ट जारी हो चुका है। 29 पदों का के लिए ये भर्ती परीक्षा करवाई गई थी और उसका रिज़ल्ट जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को ये एलटी ग्रेड का जो रिज़ल्ट है वाणिज्य विषय का वो जारी किया है। आयोग अब तक 4 विषयों में कुल 117 पदों का रिजल्ट घोषित कर चुका है, लेकिन अब भी 10,000 से अधिक पदों का परिणाम आना बाकी है और परीक्षा के आयोजन को 8 माह से अधिक समय बीत चुका है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पिछले साल 29 जुलाई को हुई थी। 39 जिलों में के 1760 केंद्रों में आयोजित की गई थी। तो वाणिज्य विषय के पुरुष शाखा में कुल 6,894 और महिला शाखा में 1,756 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी। पुरुष शाखा के 26 पदों और महिला शाखा के 3 पदों पर अंतिम चयन परिणाम आयोग ने शुक्रवार को जारी कर दिया है। हालांकि अभ्यर्थियों का चयन अभी औपबंधित रूप से किया गया है। लाखों अभ्यर्थियों को अब भी 11 विषयों में 10,651 पदों पर अंतिम चयन परिणाम का इंतजार है। वाणिज्य विषय में महिला शाखा के 3 पदों पर मीनाक्षी अग्रवाल, प्रतिमा गौतम और मनीषा का चयन हुआ है। तो मीनाक्षी, प्रतिमा एंड मनीषा, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस, आपको ऑनलाइन स्टडी बाइट्स की तरफ से हार्दिक बधाई। जबकि पुरुष शाखा के 26 पदों के लिए जारी चयनों तो की सूची में पहले 3 स्थानों पर अमित कुमार, संदीप कुमार और राघवेंद्र पांडे के नाम शामिल है। तो आप लोगों को भी ऑनलाइन स्टडी बाइट्स की तरफ से हार्दिक बधाई। औपबंधिक रूप से सभी चयनित अभ्यर्थियों को आयोग में उपस्थित होकर अपने मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन की तिथि के बारे में आयोग अलग से सूचना जारी करेगा। परीक्षा परिणाम से संबंधित प्राप्त अंक और श्रेणीवार पदवार कट ऑफ अंक जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। सो इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अलग से प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ना ही उन पर विचार किया जाएगा। तो ये था वाणिज्य के रिजल्ट से संबंधित एलटी ग्रेड का परिणाम जो है वह आ चुका है। तो इसी के साथ जब भी कोई परिणाम आएगा उसी खबर आप तक पहुंचती रहेगी। एलटी ग्रेड की सभी न्यूज़ आप तक पहुंचती रही है। सो अभी के लिए इतना ही, और अभी तक बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनका परिणाम अभी आना बाकी है, तो जल्द ही उनका परिणाम भी जारी हो जाएगा। तो बने रहें चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द